तो चलिए दोस्तों, आज हम ऑनलाइन राइवल खेलते हैं। और चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं लेता हूँ इंडिया, देखते हैं मेरा किसके साथ गेम पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि मैं ऑनलाइन गेम उतना अच्छा नहीं खेलता हूँ, लेकिन मैं एक दोस्त के रिक्वेस्ट के वजह से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, पता नहीं इंग्लैंड विंग्लैंड के साथ पड़ जाए तो मज़ा ही आ जाए। अबे यार, पड़ गया इंडिया और इंडिया। चलो इंडिया बन के इंडिया को ही हराते, कोई बात नहीं, देखते हमें मैच कैसा होता है अपना ये मैच। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम टॉस करते, देखते हो भाई साहब ने तो टॉस जीत लिया है शायद, और टॉस जीत के यहाँ पे बॉलिंग का सिद्धांत लिया है, तो हमें करना पड़ेगा बैटिंग। तो चलिए दोस्तों, हम बैटिंग करते हैं। पहले मैं शर्मा जी और शिखर धवन को ही उतारता हूँ, ठीक है। राइट ऑफ स्पिनर, अच्छा ऑफ स्पिनर से बॉलिंग करवा रहा है भाई साहब, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, तीन बॉल हो गए और यहाँ पे चौथा बॉल मैंने यहाँ पे फ्लिक कर दिया, बहुत ही खूबसूरत सा एक 6 रन पड़ चुका है इसे, तो अच्छा लगा ये शॉट खेल के। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए अब हम पांचवी बॉल की तरफ देखते हैं क्या होता है। सेम बॉल यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कैच होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो यहाँ पे एक और हमें चौका मिल गया है, तो हमारा तो इस ओवर पे 11 रन हो गए हैं। चलिए आखिरी बॉल देख लेते हैं कैसा होता है। अरे 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 यार, सेम शॉट खेल दिया था लेकिन यहाँ पे कैच आउट हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे धोनी जी 10 रन बनाते हुए आउट होते हैं। और चलिए आगे हम उतारते हैं पांडे जी को, तो देखते हैं मैच हमारा कैसा होता है। देखते हैं सेकेंड ओवर किसको देता है, राइट ऑफ स्पिनर। अच्छा चलो, ऑफ स्पिनर को ही सेकेंड ओवर दिया है भाई ने। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहली बॉल, और यहाँ पे पहली बॉल पे गुड लेंथ पे शॉट है, और बहुत ही खूबसूरती से एक चौका बटोर लिया है मैंने, तो अच्छी बात है। फील्डिंग में चेंजिंग करेगा, यार ये तो बहुत ही खूबसूरत शॉट था। चलो ये शॉट खेल के तो मुझे मज़ा ही आ गया, बहुत ही अच्छा शॉट था, और यहाँ पे 6 रन हो गए। चलो और दो बॉलें देख लेते हैं। चलिए आखिरी बॉल देख लेते हैं क्या होता है। अरे बाहर की तरफ, चलो कोई बात नहीं, आखिरी बॉल पे ये यहाँ पे एक और चौका हो गया है। तो दोस्तों, दो ओवर पे मैंने यहाँ पे 35 रन बना दिए हैं और 36 रन का टारगेट है, तो पता नहीं वो बंदा जीत पाएगा या नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए पहला बॉल करते हैं, पहले अपने फील्डिंग सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मैनुअल पे फील्डिंग देता हूँ, तो देखते हैं इस फील्डिंग पे क्या होता है। पहला बॉल क्या बीट होगा? अरे नहीं यार, अरे भाई पहले ही बॉल पे यहाँ पे 6 रन जड़ दिया है, पता नहीं ये मैच कैसा होने वाला है। तो पहले ही बॉल पे यहाँ पे छक्का पड़ चुका है, लेकिन यहाँ पे दूसरी गेंद पे मैं तो मारने नहीं दूंगा, तो देखते हो क्या होता है। क्या हुआ, चौका हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो 1 रन हुआ है। तो अब चलते तीसरी बॉल की तरफ, राउंड द विकेट बॉल करते हुए यहाँ पे देखते तीसरी बॉल पे क्या करता है बंदा। तीसरी बॉल यहाँ पे बीट होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट आउट। चलो पहली ओवर की आखिरी गेंद, यहाँ पे सुंदर सा शॉट, लेकिन यहाँ पे मेरा फील्डर है तो, और यहाँ पे एक और कैच हो जाता है, तो पहला विकेट गिर जाता है उस प्लेयर का, मतलब वो मेरा जो ओपोनेंट का भाई है उसका। तो लगता तो ये मैच मैं जीत सकता हूँ, तो देखते इस ओवर पे क्या होता है। दो बॉल मैंने यहाँ पे बीट कर दिए, और ये शॉट कैसा खेल रहा है भाई ये। अरे वाह यार, यहाँ पे तो बोल्ड हो गया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें पहला विकेट, फिर से एक और विकेट मिल गया है, तो यहाँ पे काफ़ी खुश है अपने बंदे। देखते हैं यहाँ पे फिर से एक और विकेट मिलता है या नहीं।
चलो मैं साइड चेंज कर लेता हूँ, देखते हैं इस बॉल पे क्या होता है। अरे कैच होगा, कैच होगा, या यहाँ पे एक और कैच हो गया। चलो तो देखते हैं दोस्तों हमारा हैट्रिक होता है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, हैट्रिक होगा या नहीं, हैट्रिक विकेट मिलेगा या नहीं, तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों यहाँ पे हैट्रिक होता है या नहीं। तो मुझे तो लगता है कि हैट्रिक हो जाएगा शायद। चलो देखते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे सेकेंड ओवर की फिफ्थ गेंद पे एक और विकेट हमें मिलता है या नहीं। तो चलिए, अरे कैच हो जा, यस यस दोस्तों, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हैट्रिक हो गया है और उस बंदे ने यहाँ पे मैच को शायद छोड़ने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे मैच छोड़ के तो भाग रहा है, तो मेरे हाथ में और कुछ नहीं है दोस्तों, तो मैं ये मैच क्लियरली जीत गया हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा ऑनलाइन राइवल का वीडियो, और आगे भी और भी वीडियोज़ आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम अलविदा कहते हैं।